इसलिए बोलते हैं पी के नहीं चलाना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक, स्वागत है आप सभी का। तो भाई इंडियन रोड्स पर चलने वाली कई सारी गाड़ियों के आप एक्सीडेंट्स देखते आ रहे होंगे, जिसमें इनका परफॉर्मेंस जबरदस्त होता है इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी। हालांकि इनमें से ज्यादातर गाड़ियां वही नॉर्मल 30-40 लाख के अंदर वाली होती हैं, लेकिन कुछ गिनी चुनी गाड़ियां ऐसी भी होती हैं जिनकी कीमत करोड़ों में होती है, और उसी हिसाब से इन गाड़ियों को मजबूत भी बनाया जाता है। मतलब ये समझ लीजिए नॉर्मल गाड़ियों से ये कई गुना मजबूत होती हैं। लेकिन उसी हिसाब से ये भी देखा जाता है कि इन गाड़ियों का जब खतरनाक एक्सीडेंट होता है तो ज्यादातर केसेस में इनकी स्पीड लिमिट से काफी ऊपर होती है, या फिर इनके ड्राइवर्स हवाबाजी करते हुए रैश ड्राइविंग करते हैं। आज भी ऐसा दो एक्सीडेंट मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यह एक्सीडेंट वेस्ट बंगाल से एक व्यूअर ने शेयर किया था, जो कुछ महीनों पहले वोल्वो S90 सेडान का हुआ है। हालांकि S90 करोड़ों में तो नहीं आती है, लेकिन इसकी बिल्ड क्वालिटी जो है वो जरूर करोड़ों के ऊपर वाले गाड़ियों के बराबर है, और ये चीज आप इस वीडियो में भी साफ देख सकते हैं। गाड़ी अनकंट्रोल होकर रोड के बीच में लगे लोहे के रेलिंग में लड़ते हुए काफी आगे तक चली गई है, जिससे कार और रेलिंग दोनों डैमेज हो गए। अब यहाँ पर दो तरह की चीजें सामने आई हैं। एक में बताया जा रहा कि ड्राइवर हाई स्पीड में गाड़ी को चला रहा था और उसे शायद झपकी आ गई, जिस वजह से उसका कंट्रोल स्टीयरिंग पर से खो गया। इसके अलावा वीडियो रिकॉर्ड कर रहे पर्सन को आप क्लियरली ये बोलते हुए सुन सकते हैं, इसलिए बोलते हैं ठीक है नहीं चलाना। अब ये चीज इन्होंने क्यों बोला वो तो नहीं पता, लेकिन जो भी इन्होंने बोला है उसका भी चांस हो सकता है, क्योंकि सिटी के अंदर वाले रोड्स पर नींद आ जाना काफी कम देखा गया है। खैर जो भी हो, टक्कर काफी जबरदस्त हुआ, जिसमें गाड़ी का फ्रंट डैमेज हो गया है। आप क्लियरली देख सकते हैं डायरेक्ट इम्पैक्ट से इसका बोनट, बम्पर, हेडलाइट, फेंडर, रेडिएटर, ग्रिल वगैरह में नुकसान आ गया है। हालांकि जिस हिसाब से इसका एक्सीडेंट हुआ है, इसने इतनी दूर तक लोहे के रेलिंग को तोड़ा है, उस हिसाब से यह डैमेज कुछ भी नहीं है। मतलब इम्पैक्ट गाड़ी के विंडशील्ड तक भी नहीं पहुंचा है, जो भी नुकसान आया है वो बोनट तक ही सीमित रह गया है। यहाँ पर कोई दूसरी गाड़ी होती तो नो डाउट वो काफी बुरी तरह से डैमेज हो गई होती, लेकिन भाई वोल्वो तो वोल्वो है, ऐसे एक्सीडेंट्स उसके लिए बहुत छोटे हैं। खैर फिर भी इस गाड़ी को जब तक आप सही तरह से नहीं चलाएंगे, तब तक ना आप खुद को सेफ रख पाएंगे और ना ही दूसरों को। अगला एक्सीडेंट एक ऐसे एसयूवी का है जिसको एसयूवीज का बाप भी कहा जाता है। मैं बात कर रहा मर्सिडीज G63 AMG, यानी जी वैगन की। ओवरऑल ये गाड़ी लुक और डिजाइन में काफी जबरदस्त है। इसी के साथ प्राइस तो आपको पता ही होगा, ऑन रोड ये करीब 3 करोड़ से लेकर 4.5 करोड़ के आसपास आती है। और ये सिर्फ प्राइस में और लुक में ही ऊपर नहीं है, इसी हिसाब से इसकी बिल्ड क्वालिटी भी रखी गई है, जो आप इस वीडियो में साफ देख सकते हैं, जिसे कुछ व्यूअर्स ने शेयर किया है। आपके पास भी किसी एक्सीडेंट का फोटो या वीडियो है तो प्लीज सारी डिटेल्स के साथ मेरे ईमेल, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम। यह एक्सीडेंट रिसेंटली गुजरात के अहमदाबाद में हुआ है और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा वोल्वो वाला आपने देखा था। बताया जा रहा जी वैगन का ड्राइवर रात के समय भोपाल रोड से अपनी एसयूवी लेकर कहीं जा रहा था, तभी अचानक से ये अनकंट्रोल हो गई और रोड के बीच में बने रेलिंग में घुसते हुए चली गई। एक्सीडेंट एग्जैक्टली कैसे हुआ उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ न्यूज में मेंशन है कि ड्राइवर एसयूवी को काफी तेज रफ्तार में चला रहा था, जिससे इसका कंट्रोल खो गया और इसने अपनी गाड़ी रेलिंग में घुसा दी। इसी के साथ ये भी बताया जा रहा कि टक्कर के तुरंत बाद ही ड्राइवर गाड़ी छोड़कर स्पॉट से तुरंत भाग गया था, और इससे साफ पता चल रहा कि गलती भाई की ही थी। इसके अलावा यहाँ की जो हालत है उसे देखकर भी इस चीज का अंदाजा आप साफ लगा सकते हैं। एसयूवी काफी दूर तक रेलिंग पर चढ़ते हुए और इसको तोड़ते हुए चली गई है, लेकिन फिर भी इतने जबरदस्त इंपैक्ट के बाद भी इस गाड़ी में नाम मात्र डैमेज आया है। सिर्फ इसके बम्पर, ग्रिल और बुल बार में ही नुकसान आया है, बाकी पूरे गाड़ी में कोई और बड़ा नुकसान नहीं दिख रहा है। यहाँ तक इसका बोनट भी टेढ़ा नहीं हुआ है। आपने इस एसयूवी का एक वीडियो देखा होगा जिसमें गाड़ी क्रैश टेस्ट के लिए जाती है, लेकिन ये इतनी मजबूत होती है कि क्रैश बैरियर और कई सारे वॉल्स को तोड़ते हुए बाहर आ जाती है। हालांकि वो मर्सिडीज की तरफ से किया गया एक एडवर्टीजमेंट वीडियो था, जो जी वैगन के बिल्ड क्वालिटी को दिखाने के लिए बनाया गया था। लेकिन उस एडवर्टीजमेंट में मर्सिडीज वालों ने कुछ गलत नहीं दिखाया था, और ये चीज इस एक्सीडेंट को देखकर भी समझ में आ रहा है। वाकई में गाड़ी के नाम पर कंपनी वालों ने टैंक बनाया है। हालांकि फिर भी एक्सीडेंट गलत तरह से और रैश ड्राइविंग करते समय हुआ है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ये एसयूवी किसी दूसरी गाड़ी को हिट कर देती तो उसके पैसेंजर्स का क्या हाल होता आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि गाड़ी कोई भी हो, कितनी भी महंगी हो, उसे रोड लिमिट के हिसाब से ही चलाएं। बाकी आपका इन एक्सीडेंट्स पर और इन गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी पर क्या मानना है कमेंट में बताइए।